स्वागत नानु तानम्मा नगर टेकडे गल्ली सरकारी हेण्णु मक्कळ उर्दू शाले नंबर 5 रल्ली प्रति वर्षदंते ई वर्षवू कूड फुड फेस्टिवल आचरिसलायितु। ई कार्यक्रमदल्ली शालेय विद्यार्थिगळु उत्साहदिंद भागियागिद्दु मक्कळिगे शिक्षकरु सेरिदंते पालकरु साथ नीडिदारे। अरे
कर रहे हैं सब जन सब तरफ है अच्छा है व्यापार है ये बच्चे लोग की है ना अभी जो पानी के इंतजाम हाँ कैसे लगा आपको क्या काम है नहीं नहीं अच्छा है सब तरफ अच्छा है सब जन अच्छा कर रहे हैं हर एक चीज लेकर सब जन हर एक चीज लेकर सब जन अच्छा कर रहे क्या क्या बनाए पानी पूरी है बिरयानी है शरबत है पान है सब है लो इसमें क्या क्या है हमें वो क्या जीवा वो जूस एक पिया तो अच्छा बना है ना अच्छा बना पानी पूरी खाए हाँ अच्छा है आपका नाम बोलिए मेरा नाम बीबी मरियम बागमारी अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू आज UGS नंबर 5 उर्दू गर्ल्स स्कूल नंबर 5 टेकड़े गली यहाँ पर जो है हर साल की तरह इस मर्तबा भी जो है फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आप तमाम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा आसार के उर्स में जो मेला लगता है उस तरह का मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे तुलबा में जो है यहाँ पर हर तरह की जो है वैरायटीज़ यहाँ पर तुलबा जो है लेकर आए हैं। यहाँ इसका फ़ायदा यह होता है कि तुलबा में जो है इल्म रियाजी के बुनियादी आमाल जैसे मैथ्स में जमा नफ़े नफ़ी ज़रब तकसीम का जो है जज्बा पैदा होता है। बच्चों का जो है एक दूसरे से जो है इसमें देखने से इतने जो बच्चे हिस्सा नहीं लेते किसी भी मुकाबले में तो उनके भी अंदर जो है जोश पैदा हो जाता है और बच्चे जो है अगले साल जो इस मरतबा नहीं हिस्सा लिए अगले साल लेने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स असातिज़ा और यहाँ पर मोहल्ले के तमाम लोग और हमारे अतराफ के जो है असातिज़ा जो यहाँ पर हर मदरसे के जो है टीचर्स जमा हुए हैं तो इस तरह के जलसे से जो है हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। आप देखकर जो है यहाँ के मैं आपसे गुजारिश करती हूँ जो इस मरतबा नहीं आए हैं अगली साल जो है हमारे मदरसे को तशरीफ़ लाएँ और हर तरह के जो है फूड से ने हर तरह की गिज़ा का जो यहाँ जायका ले सकते हैं। बिरयानी है कटलेट्स है कस्टर्ड हैं कीमा पाव है पाव भजी है वड़ा पाव है पानी पूरी है हर तरह के आइटम्स यहाँ पर हैं। आप तशरीफ़ लाएँ और यहाँ का मज़ा लें और हमारे मदरसा UGS नंबर 5 को ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपका नाम? मैं जाहिदा मुजावर UGS नंबर 5 असिस्टेंट टीचर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सगरा आलम चौधरी CRP UGS नंबर 4। तो सुबह सुबह मुझे जैसे ही कॉल आया कि यहाँ UGS 5 में एक फूड फेस्टिवल है तो मैंने सोचा कि हाँ ऐसे ही होगा दो चंद बच्चे यहाँ पर फूड फेस्टिवल की तैयारी किए होंगे। लेकिन जैसे ही मैं शाम पर यहाँ पर आई तो यहाँ का माहौल देख के मैं दंगी रह गई क्योंकि ऐसा माहौल तो मुझे प्राइवेट स्कूल में भी देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जायज़ा ले सकते हैं ये फूड फेस्टिवल नहीं बल्कि किसी मेले से कम नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चे हर बच्चा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और उसे किसी उस्ताद ने नहीं कहा अपने शौक से यहाँ पर बच्चा उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं इस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सोचने की बात यह है कि यहाँ पर यहाँ के मौजूद जो असातिज़ा हैं यहाँ इस मामले में उनकी बहुत सारी तैयारी में मदद की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर टीचर ने यहाँ पर जो ठेले लगे हैं या टेबल सजाए गए हैं वह खुद यहाँ के असातिज़ा ने इसकी तैयारी में हिस्सा लिया है और ये बच्चों को एक तरह की जुस्तजू एक तरह की दिलचस्पी पैदा करने का बाइस होता है कि जो बच्चे हिस्सा नहीं लिए हैं हम भी इसमें हिस्सा ले हैं। और यहाँ पर ये नहीं आप देख सकते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई में जो एक्सपर्ट है और जो बच्चा पढ़ाई में आहिस्ता स्लो लर्नर है सिर्फ पढ़ाई में जो आगे हैं वही हिस्सा लें ऐसा नहीं है। हर मियार के बच्चों ने यहाँ पर हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो ऐसा माहौल मुझे शायद ही पहली बार देखने को मिला है और ऐसा माहौल देखकर मुझे बहुत ही खुशी और मयसर मुसरत हासिल हो रही है। तो मैं तमाम हमारे गवर्नमेंट के जितने भी मदारिस हैं उन तमाम को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी इस तरह के जो प्रोग्राम हैं अपने मदारिस में इनेकाद करें ताकि
ताकि हमारे जो समाज है, हमारे माशरा, जो सोसाइटी है, उनको पता चल सके कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसे प्रोग्राम का अहतमाम होता है और हमारे यहाँ भी बहुत बाकाबिल बच्चे मौजूद हैं और हमारे जो असातिजा हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल के असातिजा से कम नहीं है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है, ये है कि आपका सपोर्ट चाहिए, हमें समाज का सपोर्ट चाहिए, ताकि यहाँ जो हमारे मदारिस में, गवर्नमेंट स्कूल में जो हीरे हैं उनको क्या है ने चमकने का मौका नसीब हो। तो यहाँ पर हर तरह के, सिर्फ एक तरह का नहीं, नॉन वेज, वेज जो और हमारे स्पाइसी फूड हैं, हर तरह के फूड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर आके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे मौके, ऐसे प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बारहा होते रहे, ताकि हमारे जो छुपी हुई बच्चों में सलाहियतें मौजूद हैं, हमारे जो नौनहाल बच्चे हैं, हमारे जो हीरे गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हीरे हैं, वो सामने आ सकें और दिखा सकें कि हम भी किसी से कम नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद शाफिया राजबहार, हम यहाँ के पहले के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। ये स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो फूड फेस्टिवल करे हैं यहाँ से बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को। बच्चों को कैसे मार्केटिंग करना, कैसे हिसाब करना, कैसे बेचना माल को, कैसे हिसाब करना, सब इससे बहुत कुछ फ़ायदा होता। 8 साल से हम यही स्कूल में हैं। हमारे स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ पर लगाओ आप स्कूल को, बहुत अच्छे टीचर्स बहुत केयरिंग के हैं, हर एक अच्छा पढ़ाते यहाँ पे। और यहाँ पे नए नए बच्चों ने अलग अलग सामान बेचने बनाए हैं, अब आकर दूसरे दूसरे स्कूल से स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे लेने के लिए, और बहुत सारे टीचर्स आए हैं। बहुत आपके लिए बहुत बेस्ट है एक स्कूल। क्या क्या बने वो भी बोलो। यहाँ पे बिरयानी, कुछ कुछ सामान लाए हैं बच्चे, बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए हम आए हैं सब भी यहाँ। क्या 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 बोले क्या 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 बोलते हैं क्या अच्छा लगा यहाँ पे? कस्टर्ड अच्छा बना है, दूध कोल्ड ड्रिंक बना है, पान बनाए हैं, बिरयानी और बहुत कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, पान वगैरह। बहुत अच्छा लग रहा है सब भी। आप नेक्स्ट ईयर से, हर साल यहाँ पे चलता है फूड फेस्टिवल, आप भी आइए नेक्स्ट ईयर से, विजिट करें, आके सब भी विजिट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। आज सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 5 टेकड़ी गली में एक बच्चों और वालिदैन और तमाम हेडमास्टर और स्टाफ की मिलीजुली कोशिश से आज यहां एक बेहतरीन फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरे वालिदैन अपने बच्चों की तैयारी, जो जो स्टॉल लगाए हैं, यहां आकर अपने बच्चों का जो आइटम बनाए उसका जायका लिए। और हमने भी इस पूरे इवेंट को अच्छी तरह देखा, बच्चे अच्छी मेहनत करके यहाँ पर अलग अलग फूड्स के आइटम क्या है तैयार करके लाए हैं और बहुत जायकेदार हैं, बहुत टेस्टी भी हैं। ये फूड फेस्टिवल जो इनेकाद किया जाता है वो बच्चों के अंदर जो पकाने की जो सलाहियत है उसको उभारना है और उसके अंदर दिलचस्पी पैदा करना भी होता है। उसके साथ साथ ये जो मेला देखने को मिल रहा है, इससे बच्चों के अंदर इल्मे रियाजी का लेन देन, कितने पैसे देने के बाद कितने पैसे वापस लेना है, ऐसे तमाम तिजारती हिसाबात से भी क्या है बच्चे वाकिफ होते हैं। ये हर साल करने से बच्चों के अंदर जो ज़बानी हिसाब होते हैं, वो लेन देन के जो हिसाब होते हैं, उसके अंदर बच्चे एक्सपर्ट होते हैं। और ये जो कुकिंग का जो शौक़ है बच्चों के अंदर वो और भी ज़्यादा होता है। आने वाले दिनों में कोविड की वजह से बच्चे और वालिदैन बहुत जगह इस तरह से जमा नहीं हुए थे, ये देखकर बहुत बड़ी खुशी हुई है। और हमारे दोस्त अलहाज सैयद ज़ुबैर करूर साहब की सदारत में, उनकी लीडरशिप में आज ये बहुत बड़ा एक फूड फेस्टिवल यहाँ पर इनेकाद किया गया है। और हमारे इस स्कूल के हेडमास्टर जावेद बागवान साहब हैं, इनकी सरपरस्ती में ये स्कूल बहुत तरक्की कर रही है और अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर क्या किए जाते हैं। और हमारे शहर के जो सिटी के करोटा के अध्यक्ष हैं नदाफ साहब, बशीर अहमद नदाफ साहब, वो भी इस प्रोग्राम में आए हैं। हमारे अजहर मुल्ला भी हैं और बहुत सारे टीचर्स इस इवेंट को देखने के लिए आए हैं। तमाम
अपने तासुरात भी बोले और यहाँ पर एक छोटा सा मेला लगा हुआ है जिसे देखकर वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं स्टाफ और तमाम बच्चों को मेरी जानिब से एक दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और बच्चों के अंदर क्या जोश और खरोश भरा। मैं ज़ियाउलहक सातारेकर DDP ऑफिस से उर्दू तालूका रिपोर्टर बेकागिद्दारे स्क्रिप्ट मत्तु चित्रीकरण माहिती इरुववरु नेरवागी एवन न्यूस बिजापुर मुख्य कचेरिगे भेटी नीडी विलास एवन न्यूस बिजापुर हत्तीवाले कॉम्प्लेक्स नियर कांग्रेस ऑफिस रामनगर डाउन रोड विजयपुर कॉन्टैक्ट जमीर पठान 9902872600। हेच्चिन सुद्दिगागी नोड़ता इरी एवन न्यूस द फेस ऑफ ट्रस्ट।